फिर रोगे। तुम्हें वास्तव में अपना जहां उलझाव है उसकी बात करनी चाहिए। तुमने जो ये कहा ना कि मैं घर से आया वो रो रही थी और ये सब वो, तो सच कहें अभी अभी संसार में ही हो, जब पक जाओगे तो खुद टपक जाओगे, तब किसी का पलटू भी सुनने की जरूरत नहीं होगी और तब पलटू होगे भी नहीं। अभी तो तुम पलटू हो। पलटू का क्या मतलब है? जो पलट के फिर आ गया है। तो तुम संसार में हो, थोड़ा देर के लिए याद आई थी, फिर पलटू हो गए, लेकिन वो वाला पलटू नहीं हो जो परमात्मा की तरफ पलट जाता है, जिसके लिए बीवी बच्चे, कितनी बीवी बच्चे पहले भी जन्म हुए होंगे तुम्हारे, पहले भी कुछ बीवियां नहीं होंगी, अब वो किसके साथ हैं पता है? उसका तुम्हें नहीं पता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें पिछले जन्म का भी पता नहीं है। ये भी बात तुमने दूसरों से सुन ली और मैंने कही तो तुमने तुरंत हाँ में हाँ मिला दी, तुम्हें पता ही नहीं पिछले जन्म का भी। रियल में एक बार भी पता लग जाए ना कि हम कुछ थे, तो पता लगता है कि वो भी बेवकूफियाँ थी और ये भी बेवकूफियाँ हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ सिंपल सी बात, सत्य पे मेरा बड़ा जोर है, मेरा जोर ज़्यादा चीज़ों पे नहीं, मेरा जोर है सत्य पे। सत्य को जियो और साहस से जियो, पूरी तुरा से जियो। परिवार के लिए करो तो बिल्कुल पूरे सच्चे होके करो, और जो भी तुम्हारे परिवार में रहते हुए तुम्हारे साथ घटता है उसे सच्चे होके कहो। जब तुम सच्चे होके कहोगे और 100% करोगे, और ये विश्वास रखना तुम किसी के लिए गर्दन भी कटा लो यहाँ कोई तुम्हारा है नहीं। ऐसी स्थिति में जब तुम सच्चे होके जियोगे, अगर तुम्हें दो चार प्यारे मिल गए तो तुम्हारा जीवन आनंदित, और अगर नहीं मिले तब तुम एक विरक्ति घटेगी। विरक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि उनकी बातें सुनी और मुझे जंगल जाने का मन हुआ। विरक्ति का अर्थ होता है कि मैं सब करके देख लिया, यहाँ सब व्यर्थ है। और जब विरक्ति घटती है उसके बाद जो संन्यास घटता है होता है उसकी खूबसूरती है। जो संन्यास बिना विरक्ति के घटता है वो कभी भी अपनी मंजिल नहीं पाता, कभी भी नहीं पाता। जिस संन्यास को आपने बातें सुन सुन के गुरु से आकर्षित होके प्रभावित होके ले लिया ना, वो कभी भी आपको मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगा, वो पछतावे तक पहुंचाएगा और दूसरे साथ साथ गुरु की बदनामी तक पहुंचाएगा। क्योंकि आप संन्यास ले लोगे उसको जी तो पाओगे नहीं। संन्यासी अगर किसी गुरु के आदमी हो तो वही होना चाहिए कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कि एक ऐसे शिष्य बनो जो बिल्कुल खालिस हो जाओ, खालसा हो जाओ। और जब कोई गुरु का शिष्य खालसा हो जाता है तब ये गुरु की जीत होती है। गुरु की जीत तब तक नहीं है जब तक उसने माला पहना दी, वस्त्र पहना दिए, तो वो जीत नहीं है। जिन गुरुओं के कोई शिष्य अगर जगे नहीं तो वो गुरु बहुत अपमानित महसूस करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप घर में, परिवार में सहजता से, समर्पण के साथ, पूरी तुरह से ईमानदार होके, सच्चे होके जियो। फिर जिस दिन तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठे पलटू जैसी तो पलट लेना, अभी कोई जल्दी नहीं। और ये पत्नी रोई और ये सब जो तुम बातें कर रहे ना, पत्नी रोई उसने बड़ा ये किया, ये भावात्मक बातें नहीं है, ये अहंकार को पोषित करने वाली बात है कि तुम्हारे लिए कोई रोता है। ये बता देता हूँ, ये भी समझ लो कि जब तुम्हारी पत्नी रोई, जब तुम ये बता रहे थे तो इतना शान महसूस कर रहे थे कि बस मेरे लिए कोई रो रहा था। यही पत्नियों की चालाकी है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देती, बना देती है सम्राट की मेरे बगैर तुम रह नहीं सकती, और थोड़ी देर बाद कुत्ता बना देती है। और यही तो प्रेम की पीड़ा है कि जब प्रेमी कहता है तुम्हारे बगैर हम मर जाएंगे तो सम्राट बना देता है, और जब वो कहता है साले उधर पलट के मत देखना तब वो कुत्ता बना देता है। तो प्रेम में बीच की स्थिति नहीं है, या तो अंतरिक्ष है या जमीन है। तो इसको भी समझ लो, जब तुम ये बता रहे थे तो तुम्हारा अहंकार कैसे तुम्हारी छाती चौड़ी कर रहा था वो मुझे दिख रहा था। इसको भी गौर से देखना, हो सकता है पलटू तुम्हें यही नजर आ जाए। मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, अगर समझ को बढ़ेगी तो हो सकता है पलटू यही नजर आ जाए, मेरी बात से नजर आ जाए, बीवी के आंसुओं में मक्कारियां दिख जाए।
बीवी तुमसे कहती है कि तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, इसको दूसरे तरीके से पूछो कि मैं जा रहा हूँ, तूने नहीं पूछा तेरा क्या होगा, उसने ये नहीं पूछा तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हारा क्या होगा, कौन स्वामी जी हैं, क्या हैं, मार डाले, नदी में फेंक दें, क्या करें, किडनी निकलवा लें, उसने तुम्हारी चिंता नहीं की, दो पराठे बांध के दिए, बताओ खाने तक को नहीं पूछा, और तुम कहते हो तुम्हारी पत्नी, कम से कम पत्नी थी तो कहते अब जा ही रहे हो तो दो पराठे लिए जाओ। लेकिन सारे अपना दर्द रोना रो दिया, वाह रे प्रेम गजब तेरी लीला देखी। खैर तुम्हारे लिए इतना ही कहूंगा कि जो भी सहज लगे, चाहे संन्यास की तरफ चाहे परिवार की तरफ, उसको पूरा कूदो। दो नावें कभी पार नहीं कराती, इसका अर्थ ये नहीं है दो गुरु, इसका अर्थ ये होता है कि दो चीज़ों में आप पैर रखे हो। संसार में जो कुछ है, चाहे संन्यास हो चाहे संसार की घर गृहस्थी हो, सब नाव ही हैं। बहुत से लोग उस गृहस्थी की नाव में बैठ के पार चले गए, मेरे पिता जैसे, और बहुत से लोग संन्यास में भी कूद के कहीं पार नहीं पहुंच पाते। तो सब नाव है, तुम्हारा घर भी नाव है, ये भी नाव है, बस ये है तुम उस नाव में किस तरीके से सवारी करते हो, किस तरीके से उसे पतवार मारते हो, सारा खेल इसका। तो जिसको भी मारो बढ़िया पतवार मारो। बाकी दो एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो पत्नियों को छोड़ के निकल गए थे, उनकी पत्नियां भी साथ में, सब कुछ साथ में, एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, अब सोचो, सोचने के लिए समय और किसी के कोई बात पूछो, दिल में दबाक मत रखना, यहाँ शर्माना नहीं, बोलो। तू तो बड़ी पटर पटर बोलती। जैसे उन्होंने बोला अभी भैया ने कि उनकी बात मत करो, अपनी करो। नहीं, एक क्वेश्चन आ गया ना मन में उनको लेके, उनसे बात उनसे नहीं लेके आए, जो तुम्हारा हकीकत हो वो करो। चलो ठीक है, जैसे अगर आपका संन्यास लेने का मन है तो गृहस्थ को आप आ जाओ छोड़ के, मत वो करो। लेकिन सचमुच में अगर गृहस्थ के लोग प्यार करते हो, सचमुच में करते हो, तभी भी छोड़ के आ जाओ। अच्छा, ये सचमुच कैसा होता है मुझे वो बताओ। सचमुच में करते हो? सचमुच बताओ। नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि बच्चे बिल्कुल सच में प्यार करते हो दिल से, और मतलब दुनिया में कोई बच्चा अपनी माँ को प्यार नहीं करता, गारंटीड। जो बैठे हो जिन्हें लगता हो अपनी माँ से प्यार है, अभी 10 मिनट में सिद्ध कर दूंगा। चलो तुमसे पूछता हूँ, तुम अपनी माँ से प्यार करती थी हैं? अच्छा, अब याद करो, प्यार तो ऐसा होता है ना, बिल्कुल एकदम हमेशा से होता है प्यार, कभी ऐसा तो नहीं कम्बर नहीं होता। चलो अब शुरू करते हैं, क्या उम्र है तुम्हारी? 36। माँ से प्यार है? अब सोचो तुम 30 साल से थी, 30 साल की थी, प्यार था जब 30 साल की थी? हाँ। और जब 25 की थी तब था? हाँ। 20 साल की? हाँ था। 15 की? था। 10 साल की? तभी भी था। अब 5 साल की हो जाओ, बताओ। 5 साल का तो याद नहीं है कि मतलब कुछ भी याद, उस समय मैं बहुत छोटी थी, पर प्यार तो पक्का। 2 साल की? आप तो कंफ्यूज हो। मैं पूछ रहा हूँ, कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ? मतलब मेरे को पता है कि मैं अपनी मम्मी का ना दुपट्टा भी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि मम्मी वॉशरूम भी जाती थी ना, रोती रहती थी। दुपट्टा नहीं छोड़ने से प्यार हो जाता है? नहीं, मतलब गांव पकड़ ले। दुपट्टे से क्या रखा? करती थी। देखो ऐसा होता है, बच्चा जब माँ से पेट से बाहर आता है तो माँ के स्तन को प्रेम में नहीं चिपटता, जरूरत के लिए चिपटता, दूध की ज़रूरतें होती हैं, फिर छाती की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ उसके स्नेह की ज़रूरत होती है, चलते वक्त तुम भी पकड़ने की ज़रूरत होती है। ज़रूरतें अगर बहुत लंबी हो जाए ना तो आदतें हो जाती हैं, और कई बार वो आदतें अच्छी लगती हैं और कई बार बुरी लगती हैं। बुरी लगती हैं तो रिश्तों में खटास आ जाती है, अच्छी लगती हैं तो उसे प्यार मोहब्बत का नाम दिया जाता है।
होती आदतें ही नहीं। इस दुनिया में प्यार जैसा कुछ नहीं होता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट जान लो, इस दुनिया में प्यार जैसा कुछ नहीं होता। जो होता है, जिसकी बात कही जाती है, वो होता है स्टेट ऑफ माइंड। दो व्यक्तियों के बीच में संबंध, एक ऐसा संबंध जिसमें गिव एंड टेक बहुत अच्छा है, जिसमें दो लोग समझ से भरे हुए हैं, उसको स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। दो व्यक्तियों की समझ की ऊंचाइयां हैं जिसके कारण दो लोग अच्छे प्रतीत अपने आप को करते हैं, एक दूसरे के साथ मैत्री महसूस करते हैं। लेकिन ये प्यार जैसा नहीं होता। ये प्यार यार का जो बेवकूफियाँ हैं ना, ये अभी कुछ समय से चलीं, तब से फिल्में चलीं, ये तब से प्यार यार चला, माँ पिक्चर आ जाती है ना, तो मेरा घर मेरे, ऐसा पता नहीं क्या क्या नाम ऐसे होते हैं, बच्चे मेरा घर मेरे, हाँ, तो वो उन सबको देख के भावनाएं पैदा होती हैं। एक बार मेरी सास सुबह सुबह अचानक मेरे घर आई 10-11 बजे के आसपास, और बहुत तेज मेरी वाइफ को कहने के मीर मर गया। मीर मर गया। मैं बाथरूम में नहा रहा था, मैंने सुना, मैंने कहा कौन मर गया, मैं बाहर निकला, मैंने आगे पूछी कि कौन मर गया, बोली मीर मर गया। मैंने कहा कौन मीर मर गया, मैं तो ये नाम पहली बार सुना, अपने तो कोई रिलेटिव मीर आई नहीं। बोली वो नाटक में कहा था, वो मीर वो मर गया। वो इतनी ज्यादा भावुक ऐसे कि बस पूछो मत। देखो, एक बार एक लड़का आया और उसने मुझसे कहा कि प्यार और ये सब की बातें कर रहा था, तो मैंने उसे दूसरा एग्जांपल दिया, आप सबको देता हूं। मैं आपसे कहूं कि एक बहुत सुंदर सनी लियोने है, और आप जाओ और उसका पेमेंट मैं कर दूंगा और आप उसके साथ संबंध बना के आ जाओ, क्या प्यार होगा? आप में से बताओ कोई प्यार होगा? चलो, अब मैं कहूँ पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन सनी लियोने ने कहा है कि एक महीने तक वो किसी से संबंध नहीं बनाएगी, लेकिन पेमेंट हो गया है तो उसे भेज अभी सकते हो, और फिर मैं उसे सनी लियोने के पास भेज दूँ। अब वो संबंध नहीं बनाएगी, चाय पिएगी, कॉफ़ी पिएगी, बातचीत करेगी, खाना खाएगी, घूमेगी, शॉपिंग मॉल जाएगी, थोड़ा सा ये सब करेगी, एक महीने बाद सेक्स हो सकता है। कितने लोग हैं तो ये बताएंगे कि ऐसे में प्यार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि एक महीने तक आपको उसकी आदतें हो जाएंगी, और कल्पना एक जगह टिकी होगी कि एक एक्सट्रीम है, वहां तक पहुंचना है, और इस कल्पना में ही वो आदमी उसके पीछे लगे लगे उसी विचारों में घूमता रहेगा, और एक महीने बाद कहेगा प्यार हो गया। लेकिन अगर वो पहले दिन ही उस टारगेट को अचीव कर ले और वापिस आ जाए तो कोई प्यार नहीं होगा। असल में प्यार जो है, मैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बात कहूँ तो हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, और हमारी इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हम इनके माध्यम से जो देखते, सुनते, समझते, सोचते, चिंतन करते हैं, तो वो समय के साथ हमारे चित्त में बैठता जाता है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक पे आदतें पड़ जाती हैं। जैसे मोस्ट ऑफ लोग प्रेम करते हैं, आजकल क्या फेर चलते हैं, उन्होंने कहा व्हाट्सएप आया, शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच वो फ्री होता है, ज़्यादा बातें होती हैं, तो 7 से 9 के बीच सबको दिक्कत होने लग जाती है, मैसेज आया कि नहीं आया, बाकी समय सही चलेगा, लेकिन वो 7 से 9 जो है बड़ी पीड़ाएं हो जाएंगी, आदतें हो गई। तो जो आदत हमारे शरीर में बैठती है एक टाइम बाउंड होके, वो बहुत गहरा प्रभाव डालती है, और हम ऐसी आदतों से भरे हुए हैं। महसूस करना कि दो वक्त ऐसे होते हैं जिस वक्त बहुत ज्यादा लोगों को बाहर भागने का मन करता है। एक तो वक्त होता है जो ऑफिस जाने का वक्त है, उस वक्त लोगों को जाना होता है, इसलिए बाहर आदत है, फटाफट अच्छा सा कुछ पहनो, फटाफट ऑफिस के लिए निकलो, स्कूल कॉलेज जो भी जाना है करो। और एक शाम का वक्त होता है, शाम के वक्त लगभग 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ऐसे भाव बहुत आते हैं, क्या करें, कहीं घूम आए, चल के चाट पकौड़ी खा लें, समोसे मंगवा लें, चाय के साथ ले लें, कुछ ना कुछ इस तरीके का बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा,
बाबा लोग प्रवचन किस टाइम पे रखते हैं? सुबह होता है, शाम होता है? सुबह शाम। बाबा जी को मालूम है सुबह तुम्हारे मन की बेचैनियां बहुत होती हैं और शाम को बहुत होती हैं, और वो उस वक्त उस बेचैनियों के वक्त में तुम्हारे मोबाइल वोबाइल बंद करवा के तुमको थोड़ा ओम ओम करवा देते हैं। वो तुम्हारी थोड़ी आदतें 3-4 दिन में हल्की पड़ती हैं, और फिर तुम कहते हो बाबा जी के शिविर में जाने से बड़ा लाभ हुआ, बड़ा हल्का हल्का फील हो रहा है। असल में हल्का हल्का नहीं फील हो रहा। मेडिटेशन को अगर बहुत सरल ढंग से कहूँ तो मेडिटेशन को मैं कहता हूँ, मेडिटेशन इज जस्ट लाइक ए इरेजर। ये एक रबर है जिससे आप अपने चित्त पे जो फालतू लिख गया उसे मिटा सकते हो। इससे बस इतना ही होता है कि आप चित्त पे लिखा हुआ मिटा सकते हो। लेकिन फिर बहुत लोगों को ध्यान की आदत पड़ जाती। उन्होंने कहा वो शाम को ध्यान करते हैं, हम कई सन्यासियों से मिलते हैं, वो कहते हैं स्वामी जी आज ध्यान नहीं किया, बड़ा चित्त में बेचैनी हो रही। हम कहते हैं यही तो लवर को हो रही होती है कि वो आज फोन नहीं आया, बड़ी बेचैनी हो रही है, आज मैसेज नहीं आया, बड़ी बेचैनी हो रही है। सेम सन्यासियों को होती। वो जैसे कहते ना कि एक कांटा अगर तुम्हारा फंसा हो तो उसको निकालने के लिए एक और कांटा चाहिए, लेकिन फिर वो कांटा वहां मत रख लो। मेडिटेशन या कोई भी चीज है जीवन में तुम्हारी आदत बन सकती है, और जिस तरीके से जैसे इनकी पत्नी रो रो के इनके दिल से खेल गई, उसका तो छक्का लग गया, अब इनकी स्थिति ये बोर्ड लो के पहुंचे तो कुछ फायदा नहीं होता। उसी तरीके से जिस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ शातिर प्रयोग करते हैं, बाबा लोग भी शातिर प्रयोग करते हैं। बाबा लोग भी तुम्हें उस तरीके की चीजें दे देते हैं जिससे तुम बंध जाते हो, और फिर तुम कहते हो वो गुरु जी के बगैर तो जीवन नहीं कट रहा। जो गुरु के बगैर तुम्हारा जीवन नहीं कट रहा तो या तो उसके साथ कटे और या फिर वो गुरु हटा देने लायक, या तो वो गुरु हटा देने लायक है और या फिर उसके साथ कटे। फिर सोते जागते फिर वो तुम्हारी नजरों के सामने और उसी का सब कुछ तुम्हारे सामने, तब तो चलेगा। लेकिन जो छोटी छोटी आदतें बना देते हैं कि इतने से इतने ध्यान करना अनिवार्य, ये माला पहनना अनिवार्य, इस तरीके के वस्त्रों का उपयोग करो ऐसे करके, ये सब शातिर पने हैं, इन्हीं से फांसा जाता। कहते मुक्त होने, एक कांटा निकला दूसरा कांटा वहां आ गया। तो आप जो बात करते हो तो पहली बात मैंने आगे पूरा प्रश्न पूछने से पहले ही उसको काटा कि पहली बात तो समझ का बढ़ जाए, प्यार जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ जरूरतें हैं। आप अगर बच्चों से भी प्रेम करते हो अपने, जिस दिन उनकी जरूरतें पूरी होंगी वो पलट के नहीं देखें, बिल्कुल पलट के नहीं देखें। और इंसान को ये प्रेम को अगर मैं कहूं कि वो एक सहयोग के रूप में बात करें तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है कोई ये कहे कि ठीक है मेरा जीवन है ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, तो चलो मैं इस जीवन को किसी के लिए लगाता हूँ। इसको मैं मिसाल देता हूँ मेरे पिता की। मेरे पिता को मैंने पूरी जिंदगी, मैंने अपनी जिंदगी जितने उनको देखा, उनको कभी अपने लिए कुछ करते नहीं देखा। वो कभी बाजार अपने लिए कपड़ा खरीदने नहीं गए, कभी अपने लिए कुछ लेने नहीं गए, कभी उन्होंने अपने बैंक में पैसा नहीं डाला, कभी भी उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को किसी के सामने नहीं रखा। वो बस दुकान जाते थे, खोलते थे, शाम तक जो कमाते थे घर आके माँ को थमाते थे, फिर सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे, थोड़े से पैसे लेते थे, फिर दुकान चले जाते थे। उनका यही रूटीन चलता रहा, और बिल्कुल वो अपने दुकान से पूरे बंद गए, पूरे इतने प्यार से बंद गए कि जैसे कि कोई आदमी अपने आप से बंद जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एनलाइटेड हुए तो बनिए हुए, सबसे ज्यादा बनिए हुए उपलब्ध। और बनिए उपलब्ध क्यों हुए? बनिए तो दुकान पे बैठे रहते हैं। सच बात तो यह है, ध्यान का एक और अर्थ है, जिसे बैठना आ गया उसे सब आ गया, और जिसे बैठना नहीं आया उसके फुरैरी है, इधर भाग जाए उधर भाग जाए, मौसी क्या चले जाए, ताऊ क्या चले जाए, स्वामी जी क्या चले जाए, ओसो कम्यून चले जाए, ये सब भागना। मैं आपको सच कहूं कि
मेरी अगर जरूरत किसी को ना हो तो मैं कहीं नहीं भागता, मैं तो बल्कि थोड़ा सा और लोगों की वजह से कहीं निकल भी जाता हूँ, नहीं तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा हुआ है कि मैं दो दो चार चार महीने एक कमरे में रहा जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं, और मैं बड़े मजे से रहता था। लोग कहते थे कैसे रह लेते हो, मैं कहता हूँ अपने साथ रहता हूँ। कहते हैं आपका दिल नहीं होता बाहर निकलने का, मैं दिल बाहर निकलने का किसका होता है, मजबूरियों में निकल रहे हो तुम, नहीं तो दिल किसका होता है, या तो आदत की मजबूरी है और या फिर फोकट की मजबूरी। मैं तो तब निकलता हूँ जब मेरा खंबा खत्म हो जाए बस जरूरत के लिए, वरना जाने का मन ही नहीं होता। या तो जरूरत के लिए निकलोगे या आदत के लिए निकलोगे, दो ही कारण है, वरना क्यों निकलेगा कोई। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं घूमने निकलते हैं, हमें घूमने का शौक है, घूमने का शौक नहीं होता, असल में ये बेचैन चित्त है जो बाहर भागता है। शांत चित्त कहीं नहीं जाना चाहता, शांत चित्त को कोई जरूरत नहीं होती कहीं जाने की। अगर वो आश्रम में है तो आश्रम में है, अगर वो घर में है तो घर में है, वो शांत है। तो इसलिए मैं जब भी प्रेम की बात करेगी, निश्चित ही मैं प्रेम के पक्षधर हूँ, मैं लड़का लड़की के प्रेम वाला बड़ा पक्षधर हूँ, और उसमें भी पक्षधर हूँ इसलिए कि सेक्स एक जरूरत है, सेक्स एक इंसान की एक नेचुरल नीड है, बल्कि नीड कहना गलत है, एक जैविक दबाव है, उस दबाव से रिलीज होने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है, एक लड़के को एक लड़की की और लड़की को लड़के की। तो मैं कहता हूँ उसका मैं तब भी साथी हूँ, कोई भोजन मांगने आए उसका मैं तब भी साथी हूँ, क्योंकि भोजन जरूरत है। अगर किसी के लिए नींद के लिए बिस्तर नहीं है तो मैं उसका साथी हूँ, क्योंकि वो वास्तविक ज़रूरत है। भोजन, नींद और सेक्स, इन तीन चीज़ों के लिए अगर कोई कृत्य किया जा रहा है मैं उससे राजी हूँ, लेकिन ये तथाकथित प्यार, तथाकथित मोहब्बतें, तथाकथित ये ध्यान है, मैं इनसे राजी नहीं हूँ, बिल्कुल राजी नहीं, क्योंकि इन चीज़ों ने जो है वो इंसान को कहीं ना कहीं भटकाया है, बहुत ज़बरदस्त भटकाया है। मूलभूत तीन जरूरतें इस पूरी पृथ्वी पे अगर लोगों की पूरी हो जाएं, भोजन का दबाव झेलना ना पड़े, सेक्स का दबाव झेलना ना पड़े, नींद के लिए सहजता से आदमी को जगह मिल जाए, तो मैं कह सकता हूँ उस पूरी पृथ्वी पे सारे धर्म ग्रंथ छोटे पड़ जाएंगे। ये तीन चीज़ें मूलभूत ज़रूरत, इसके अतिरिक्त कोई ज़रूरत नहीं, बाकी सब बकवास, बाकी सब मन के खेल, खाली खेल लो जितना चाहें, इसको खेलना खूब खेलो, तीन ही मूलभूत जरूरत। तो इसके तहत जब लड़का लड़की प्रेम करते, मैं उनसे राजी हूँ कि इनकी जुगाड़े हो जाएं, थोड़ा सा कानूनी हो जाएं, थोड़ा सा सामाजिक हो जाएं, कमरा मिल जाए, 10 मिनट उछल कूद हो जाए, बात खत्म। और 10 मिनट उछल कूद नहीं होती तो 4-5 घंटे फ़ोन पर लगे रहते, कितनी बड़ी एनर्जी ख़राब चली जाती। पूरे देश के करोड़ों युवा जो हैं वो फ्री वाला फ़ोन लेके 8-8, 10-10 घंटे लगे हुए हैं, अरबों खरबों घंटे की ऊर्जा बक बक में, आई लव यू सोना बाबू, क्या खाया, क्या पिया, कौन सा कपड़े पहने हो, आज कहाँ गई थी चाचा मौसी ताऊ, इसमें जा रही, और 2 मिनट की कबड्डी खेल के उसके बाद बोधर मुँह घुमा के सो जाता, बोधर मुँह घुमा के सो जाता कुछ देने की। तो इसलिए लोगों को लगेगा ये बाबा भटकाता है, लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ जो सबके दिल में है। मेरी बात से समूह में राजी नहीं हो सकते, जो भी लोग सुन रहे हैं यहाँ या चाहे वीडियो में, उन लोगों से मैं कहूँगा कि मेरी बात सुनने के बाद 15 मिनट तक किसी से मत मिलना, और सोचना बैठ के कि मैंने क्या कहा, तो वोट मेरे में पड़ जाएगा, बटन शशांक को दब जाएगा। और जैसे ही ये समूह में गए और समूह में मेरे बारे में चर्चा की, तो बटन तो होगा सखा पे दबाने का, लेकिन मोदी जी क्या कहेंगे उस पर दब जाएगा, फिर गलत वोट पड़ जाता है, फिर गलत आदमी जीत जाता है, गलत सरकारें बन जाती हैं। तो अकेले में चिंतन करो, 4 में मस्ती, 3 में बकवास, 2 का चिंतन और अकेले का अध्यात्म। अध्यात्म अकेले का ही होता है, अध्यात्म में 2 भी नहीं होते। यहाँ हम और आप हैं, 2 हैं तो चिंतन चल रहा है, ये अध्यात्म नहीं है, ये चिंतन है। ये चिंतन है कि आध्यात्मिक हुआ जा सके, ये चिंतन ही आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ा सकता है अगर सही से लिया। और अगर 3 लोग हो जाएं, हम आप और एक और, तो 2 एक तरफ होते हैं, 1 एक तरफ होता है, 1 के अहंकार को चोट लग रही होती, 2 लोग उसको जलील करने में लगे होते हैं, तो उस कंडीशन में बकवास होती।
हाँ चार हों तो दो दो के पेड़ बन जाते हैं, फिर मस्ती होती है। तो पिकनिक पे कभी जाओ तीन दोस्त मत जाओ, कम से कम चार कर लो, मजा आएगा। तीन दोस्त कर ली तो जूता लात होके लौटेगी, एक नाराज पक्का होगा। और चिंतन करना हो तो तीन लोग मत करो कभी, हमेशा दो में करो। और अध्यात्म तो अकेले का है ही, और किसी की कोई बात बताएं कुछ है किसी को कुछ, वरना फिर आगे बढ़े। हाँ बोले, पीछे जैसे ये बिस्तर है ना, जैसे मैं इस पे लेटता हूँ पता नहीं ऐसे पीछे से इतना ऐसे दबाव महसूस होता है, उठो तब भी दबाव महसूस हो रहा है लगातार। दो तकिया आपके योग्य है? बहुत ज्यादा, जैसे गद्दा बहुत ऊपर है ना, तकिया थोड़ा सॉफ्ट है, बहुत नीचे हो जाता है, शायद इसी कारण। आप एक सख्त तकिया ले लें या दो थोड़ी सी सख्त तकियाँ जो होती हैं रुई वाली वो ले लें, और उसको क्योंकि अभी यहाँ आश्रम में जैसे हमारे यहाँ गए थे तो हमारे यहाँ उधर वहाँ पहले हमने सब तरीके के तकियों का इंतजाम किया हुआ था कि उसको क्या चाहिए उसके हिसाब से भी देखता था। तो ये शरीर की एक आदत ही है लेकिन ज़रूरत भी मानता हूँ, क्योंकि शरीर की बनावट ऐसी होती है, कोई तकिया लगाता है कोई नहीं लगाता, कोई ऊँची लगाता है, तो उसके हिसाब से होना